हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं, नाम है राहुल, और उन्होंने पूछा है कि 3 लाख लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर कुछ परचेजिंग करेंगे, फिर सेल करेंगे, तो ये सब एंट्रीज कैसे पास होंगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले लोन कैसे लेंगे हम। तो ये न्यू कंपनी है, देख सकते हैं नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। सबसे पहली एंट्री इसमें लोन लेने की ही करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। और चूंकि लोन लेंगे तो लोन हमको रिसीव होगा, तो F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर में आ जाते हैं। इसके पहले भी ये एंट्री मैं बता चुका हूँ, एंटर प्रेस करके यहाँ आए, ठीक है। इससे पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं हम कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2019-20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, 2020-21 करना है। 1/4/2020 कर देता हूं मैं, और यहाँ पे 31/3/2020 आ रहा है, तो यहाँ पे 31/3/2021 कर देना है हमें, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, बस अब यहाँ पर हमें वो एंट्री पास करनी है रिसिप्ट वाउचर में। तो ये हो गया, एंटर प्रेस किया। 1 अप्रैल को ही ये अगर एंट्री मैं पास करूं तो क्या होगा, देखिए जब कंपनी हम बना रहे होते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना होता है, F3 प्रेस करके चलना है हमें। और यहाँ पे कंपनी को थोड़ा अल्टर कर लेते हैं, तो यहाँ से अल्टर करता हूं मैं, लोन एंड लोन नाम से कंपनी है। तो देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 को ही हमारा काम भी शुरू हो रहा है। ये देखिए बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020, तो हमें पहली एंट्री 1 अप्रैल 2020 को ही पास करनी होगी। तो यहाँ V प्रेस करके और फिर 1 अप्रैल 2020 में ही एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पर आ गए और सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो क्रेडिट में मैंने आपको बताया था उस बैंक का नाम आएगा जिस बैंक से पास हो रहा है लोन। तो यहाँ पर क्रिएट पर जाकर के टेलीप्राइम में, अच्छी बात है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे, हमें जो लोन पास हो रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पास हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर क्या आएगा, गलती से यहाँ आप बैंक अकाउंट में डाल देते हो इसको लिस्ट ऑफ ग्रुप में, लेकिन जब भी लोन लेंगे तो वो जाएगा अंडर सिक्योर्ड लोन के तहत, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में क्या डिफरेंस होता है ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सिक्योर्ड लोन यानी बैंक किसी तरह से आपसे वसूल लेगा, वो पैसे कैसे भी करके वो पैसा वसूल लेगा आपसे, तो वो सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आएगा। और जैसे किसी रिश्तेदार से लोन ले लिया, 50,000 रुपया ले लिया, तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन ऐसे कुछ लेट भी हो जाए या फिर काफी दिनों बाद भी चुकाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो अभी यहाँ पे सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में इसे रखना है आपको, और एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर GSTI नंबर वगैरह जो बैंक का है वो डाल सकते हैं आप, फिलहाल मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। कितना लोन पास हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपए लोन पास हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 लाख डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ डेबिट का आएगा, तो यहाँ किस बैंक खाते में आपके जाएगा, आपका बैंक खाता किस बैंक में है, तो स्टेट बैंक में ही है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके और एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, स्टेट बैंक, केवल स्टेट बैंक के नाम से बनाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हमारा खाता है ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा अकाउंट है और वो जो है बैंक अकाउंट था। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह डाल देंगे, तो ये डाल दिया हमने, और यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा, जो भी IFSC कोड है। इशू करना चाहते हैं तो यहाँ से Y प्रेस करके इशू कर लीजिए, 6 नंबर का होता है ये, तो ये डाल दिया हमने। और कहाँ तक जाएगा ये, तो इस तरह से यहाँ से कर दिया हमने, तो कुल मिला के इतने चेक भी इशू हो गए। चेक पर क्या नाम प्रिंट होगा वो देख लीजिए, तो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, और ये इस तरीके से हमने दे दिया, और ये एंटर प्रेस करके और इसे अब एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर प्रेस कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। इस तरीके से हमने लोन ये एक्सेप्ट करा लिया। अब हमको एंट्री जो पास करनी है, इन्होंने कहा क्या है वो देखा करके, और फिर परचेज वाउचर के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आ गए। और फर्नीचर वगैरह जो खरीदेंगे तो यहाँ पर पार्टी का नेम आएगा, देखिए अगर आप कैश में परचेस कर रहे हैं तो कैश डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ क्रिएट पे जाके और पार्टी का नेम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुनीत सी, यानी क्रेडिटर कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और ये जाएगा संडे क्रेडिटर में। तो ये ग्रुप वगैरह थोड़ा सा सही से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, संडे क्रेडिटर यहाँ सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया, और ये सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे परचेज अकाउंट का एक लेजर बना दीजिए आप, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ,
एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे पी प्रेस कर लेता हूं परचेज अकाउंट के लिए, और यहां पे देख सकते हैं ये परचेज अकाउंट आया हुआ है। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और अब यहां पर जो भी परचेज करना, जैसे इन्होंने कहा था फर्नीचर, तो यहां पे सी अल्ट के साथ सी प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज यहां पे साइड में ये विंडो खुली हुई है, यहां पे क्रिएट पे जाके एंटर प्रेस कर देंगे तो भी यहां स्टॉक आइटम बनाने के लिए आ जाएगा। तो ये फर्नीचर है और फर्नीचर यहां पे कर दिया हमने, और अगर इसे आप स्टॉक के रूप में ले रहे हैं तो यहां पे स्टॉक ही बना रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं यहां क्रिएट पे चले जाइए, यूनिट में कुछ डाल दीजिए, आईटीएम आइटम कर देता हूं मैं, और यहां पे फॉर्मल नेम आइटम डाल देता हूं, और यूनिट क्वांटिटी किस में आप इसको लेंगे वो देख लीजिए, तो पीसेस या ऐसे किलो में भी ले सकते हैं, पीसेस कर देता हूं मैं, एंटर प्रेस कर देता हूं, और यहां पे इस तरीके से एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लें आप। तो ये हो गया। अब क्वांटिटी कितनी है इसकी, मान लीजिए 12,000 रुपए का एक फर्नीचर पड़ रहा है, तो ये 19 क्वांटिटी के हिसाब से 2,28,000 रुपए यहाँ पे आ गया। कहीं भी कोई भी नेगेटिव कैश नहीं आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने लोन उठा रखा है, ठीक है, उसी लोन से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ परचेजिंग हम कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि लोन ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है, हमने कहीं भी कैपिटल की एंट्री नहीं की है, आप ये जानते हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीजीएसटी ले लिया हमने, एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिए, और ये जीएसटी ही है, एंटर प्रेस कीजिए, और सीजीएसटी है सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे 3 कर दीजिए, एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। अब अल्ट के साथ सी प्रेस करके एसजीएसटी भी बना लेता हूँ, लोकल स्टेट का मामला है तो एसजीएसटी लगेगा, अदरवाइज सिर्फ आईजीएसटी लगा देते हम, तो यहाँ स्टेट टैक्स कर देता हूँ, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ताकि पॉइंट डेसिमल में भी वैल्यूज ले सके ये, और ये एंटर प्रेस करके। और अगर ईवे बिल आप यस करना चाहते हैं तो यहाँ से ईवे बिल को भी यस कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब ये जो एंट्री हमने पास की है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद 2 बार डी प्रेस करेंगे, दोनों एंट्रीज शो हो जाएंगी।